हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ये 12th क्लास का चैप्टर है। देखते हैं हेलो एरिन्स एंड हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है हेलो ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन, आफ्टर दैन हेलो एरिन को देखेंगे। तो हेलो से पता चल रहा होगा, हेलो मीन्स होता है हेलोजन्स, एल्केन्स मीन्स होता है एल्केन। तो ऐसे कंपाउंड जो हेलोजन एंड एल्केन से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, हेलो एल्केन। ठीक है, तो जैसे हेलोजन्स पढ़े होंगे, हेलोजन्स क्या होते हैं, एफ सी एल बी आर आई। ठीक है, ये क्या है, हेलोजन है। इनमें से कोई सा भी एलिमेंट्स हो सकता है। बाकी एल्केन, एल्केन्स क्या होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोला जाता है, एल्केन्स कहते हैं, जिनका फॉर्मूला क्या है, सी एन एच टू एन प्लस टू। ये तुम लोगों ने 9th क्लास में और 10th क्लास में भी इवन इसको पढ़ा होगा, है ना। एल्केन्स या नहीं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। एलिफैटिक का मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड्स जो ओपन स्ट्रक्चर रखते हैं, जिनकी संरचना कैसी होती है, खुली होती है। ठीक है, जैसे कि ये है एक कार्बन है, इसे क्या कहते हैं, ये मीथेन है। ठीक है, क्या है, मीथेन। इसे देखकर तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये बीच में कार्बन है और इसके चारों ओर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। यहां से पता चल रहा है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ये तुम्हें याद रखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा हम कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है, ये आएगा। तो यहाँ देख के पता चल रहा होगा कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4। 4 बॉन्ड तो बनाएगा कार्बन, 4 से न तो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है न ही कम। तो 4 इसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। ठीक है, तो ये क्या है, एल्केन है, और ये क्या है, हैलोजन्स है। अब इनमें से कोई सा भी एक, इनमें से कोई सा एक हैलोजन जाएगा और यहां से क्या हटा देगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद ले लेता है। ठीक है, जैसे ये क्लोरीन है, इसने यहां से क्या हटा दिया, हाइड्रोजन को हटाया और इसकी जगह खुद आ गया। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो फॉर्मेशन हुआ है इसी को बोलेंगे हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स से क्या समझ में आया कि ये कॉम्बिनेशन है, हेलोजन एंड एल्केन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हेलो एल्केन। और यहां पर क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो ये बना। अब हम इसे बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है, मिथाइल क्लोराइड, या फिर इसको IUPAC नेम इसका क्या होगा, क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। बाकी और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2 कार्बन वाला लिया है, ठीक है, ये क्या है, ईथेन। अगर साइड 2 कार्बन है तो ईथेन होगा। मैं इसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा चुकी हूं, तो उसका फर्स्ट लेक्चर देख लेना, उसमें ये सब लिखाया है। 2 कार्बन है तो क्या होगा, तो जैसे 2 कार्बन है इसे क्या बोलेंगे, ईथेन है ये। ठीक है, क्या है, ईथेन है। अब ये ईथेन है, यहां से क्लोरीन क्लोराइड मतलब FClBrI में से कोई एक एलिमेंट जाएगा और यहां से क्या हटा देगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अब इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा लेकिन उसकी जगह, ठीक है, ये इस तरह से आ गया हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। बाकी हर जगह क्या जुड़ा हुआ है, एच। अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें तो देखो इस वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, तो हम इसे लिख देंगे CH3 और बीच में क्या है, CH2 और ये हो गया Cl। क्या बोलेंगे इसको, ये है इथाइल क्लोराइड। 2 कार्बन को एथ बोला जाता है, क्लोरीन जुड़ा है तो ये क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड। अगर Br जुड़ा होता तो इथाइल ब्रोमाइड हो जाता, आयोडीन अगर जुड़ा होता तो क्या हो जाता, इथाइल आयोडाइड। इसी तरह से इथाइल फ्लोराइड हो सकता है। तो इतना क्लियर हुआ। ठीक है, ऐसे बनते हैं, क्या बना ये, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये तो मैं समझ में आ गया होगा, हेलो हेलोजन
प्लस एल्केन क्या मिलके बना रहे हैं, हेलो एल्केन। ठीक है, ये क्लियर हो गया इतना। अब इसमें देखो ये थ्री कार्बन वाला है, जैसे इसको इकट्ठा ही लेते हैं, ये अगर कार्बन थ्री है तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोपेन। अब ये प्रोपेन कैसे बोला जाता है, देखो नंबर अगर थ्री है तो प्रोप हो गया, लेकिन सिंगल बॉन्ड हर जगह है तो वो क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। अब यहां पर कोई सा भी हाइड्रोजन, इस बार बी आर को ले आते हैं, ठीक है, बी आर है ये, यहां आएगा कहीं भी, देखो इस कार्बन पर जुड़ेगा तो यहां से एक हाइड्रोजन हटाएगा, अगर इस पर जुड़ेगा तो यहां से एक हाइड्रोजन हटाएगा, इस पर जुड़ेगा तो यहां से एक हाइड्रोजन हटाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, सी एस थ्री सी एच टू सी एच टू, यहां से क्या हटा दिया, एक हाइड्रोजन और ये आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अभी देखो ये प्रोपेन था लेकिन अब एक हाइड्रोजन हटने की वजह से ये प्रोपाइल में कन्वर्ट हो गया, क्या क्या बन गया, ये प्रोपाइल, तो इसे बोलेंगे ब्रोमो प्रोपाइल ब्रोमाइड बोला जाएगा इसे। ठीक है, क्या बोला जाएगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड। इतना क्लियर हुआ, इसी तरह से कोई सा भी हेलो एल्केन फॉर्म होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, हेलो एन, तो इतना क्लियर हुआ। बाकी देखो तुम्हें हेलो एल्केन का फॉर्मूला अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, सी एन एच टू एन प्लस वन एक्स। ठीक है, ये होगा एक्स मीन्स हेलोजन है, देखो एफ सी एल बी आर आई, इनमें से भी कोई सा एक हेलोजन आ सकता है। अब यहां पर देखोगे तो ये क्या होगा, जैसे अगर एन के बराबर वन रखें और एक्स की जगह कोई सा इनमें से कोई सा भी ले सकते हो, तो यहां क्या मिलेगा देखना, सी एन मतलब एक ही कार्बन है, एन कितना रखना है, वन रखना है, तो सी केवल मिलेगा यहां पर, देखो एच टू एन की जगह तो वन रखेंगे तो टू ही रहेगा, प्लस वन प्लस सी एल, इस तरह से लिखोगे मतलब सी एल यहां जोड़ दिया तो ये क्या मिल गया है, सी एस थ्री सी एल, इस तरह से मिलेगा। डायरेक्ट इसी में लगाते जाओ सी टू एच फाइव सी एल मिलेगा, इस तरह से मिलता जाएगा, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। बाकी अब हम देखेंगे हेलो एरिन्स। ठीक है, क्या देखना है, हेलो हेलो एरिन्स। अब जैसे हमने अभी हेलो एल्केन पढ़ा था, हेलो हेलो एरिन है, तो हेलो मींस तो हेलोजन ही होगा। ठीक है, हेलो मींस क्या है, हेलोजन्स। एरिन्स क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो क्लोज वलय के रूप में होते हैं, बंद संरचना होती है जिनकी, और इसका एग्जाम्पल क्या है, एरोमेटिक मतलब वेंजीन इसका एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो ये जैसे वेंजीन है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब कोने पर हर जगह एक कार्बन एक हाइड्रोजन होगा। हमें मालूम है कार्बन की वैलेंसी, देखो मैं इसकी ओपन स्ट्रक्चर बना देती हूँ, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो देखो एक एक तो हर जगह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से जोड़ दीजिए, हर जगह एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अभी देखो एक एक वैलेंसी कम है, इस कार्बन को देखो 1 2 3 3 बॉन्ड है, तो बीच में एक अल्टरनेट बॉन्ड होता है, ये हो गया, फिर एक इस तरफ है तो ऐसे होगा। अब प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 4, मतलब एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा होगा, तो ये तीनों ही स्ट्रक्चर जो बनाई है वो किसकी है, बेंजीन की। ठीक है, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, नोट कर लेना इनको। अब देखो हेलो एरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन्हें बोला जाता है एरिन्स हैं ये। ठीक है, क्या है ये, एरिन्स हैं, एफ सी एल बी आर आई हेलोजन है, इनमें से कोई सा एक हेलोजन यहां पर आएगा और यहां से क्या हटा देगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो देखो सी एल को ही ले लेते हैं, सी एल यहां पर आया और उसने कहा हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह खुद आ गया। ठीक है, तो इसकी जगह किसने ले ली है, क्लोरीन ने, इस तरह से, और बाकी हाइड्रोजन यहां से क्या हो गया, अलग हो गया, तो इस तरह से जो फॉर्म हुआ। अब देखो यहां पर तुम्हें क्या मिला,
पहले हाइड्रोजन 6 थे लेकिन क्लोरीन आ गया तो एक हाइड्रोजन हट गया। अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो C6H5Cl हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये क्या होगा, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, इसे हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे, हेलो एरिन्स एंड हेलो एल्किन। ठीक है, एक जगह हमने लिया है हेलो एल्किन्स है और दूसरी जगह क्या ले रहे हैं, हेलो एरिन्स। ठीक है, सबसे मेजर डिफरेंस तो इनमें यही है कि हेलो ये भी, अगर इनकी सिमिलरिटी देखी जाए तो क्या है, इसमें भी हेलोजन है, इसमें भी हेलोजन है, ये तो इनकी समानता होगी क्योंकि दोनों हेलोजन से मिलके तो बने ही है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इनमें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। बहुत कम अमाउंट में अदर एलिमेंट हो सकता है लेकिन केवल कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट क्या होता है, बहुत ज्यादा है। तो ऐसे एलिमेंट जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यहाँ पर जो यूज हो रहे हैं, एक है एलिफैटिक और दूसरे इसमें हेलो एरिन में कौन से होते हैं, एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये याद रखना है। तो इनमें डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या हो गया कि हेलो एल्केन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं और ये किससे बने होते हैं, एरोमेटिक। अब दूसरा जो डिफरेंस याद रखना है वो ये है कि यहां पर जो हेलोजन जुड़ा होता है, जैसे ये था, ठीक है, हमारे पास ये क्या था, मीथेन है और यहां पर सीएल जुड़ा है। अब इसे ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है इसकी फोर वैलेंसी है प्रत्येक कार्बन की, क्योंकि फोर होती है ये हमें मालूम है। अब ये जो कार्बन, ये जो क्लोरीन है इस कार्बन से जुड़ा है, क्लोरीन की जगह और भी कुछ हो सकता है, जैसे चलो बीआर ले लिया इस बार, तो ये बीआर इस कार्बन से जुड़ा है। यहां पर देखो ये जितने भी बॉन्ड है सभी कैसे है, सिंगल बॉन्ड है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां पर sp3 संकरण होता है जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अगर सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा होगा, sp3, और अगर डबल बॉन्ड होता है तो sp2, यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होता है। इतना क्लियर हुआ। तो यहां पर देखोगे कि ये जो br है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कैसा है, सिंगल बॉन्डेड है, मतलब हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो यहां हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp3। तो बोल सकते हो कि जो हेलो एल्केन है उनमें हेलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अगर कार्बन बॉन्ड बना रहा है वो सभी सिंगल बॉन्ड है तो वो कैसा होगा, और उस कार्बन से अगर br जुड़ा है या कोई भी हेलोजन जुड़ा है तो वो फिर sp3 बॉन्डेड हो गया। अब यहां पर देखो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर बेंजीन का बनाया था, चलो दोबारा बना देते हैं। ठीक है, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होके सीएल लग गया था, है ना, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, अल्टरनेट बॉन्ड है। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये हेलोजन है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, यही वाले कार्बन से तो जुड़ा है। उस कार्बन को ध्यान से देखो, इधर तो खैर सिंगल बॉन्ड है, हेलोजन तो हमेशा ही सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, है ना, सिंगल बॉन्ड बनाता है वो तो। लेकिन ये कार्बन है ये डबल बॉन्डेड है, मतलब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर उस कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो फिर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया। मैंने अभी अभी बताया था जहां पर भी डबल बॉन्ड होगा वो कैसा कार्बन होगा, sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये वाला कौन कैसा है, sp3, बिकॉज इसमें सभी बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल है, इसमें डबल भी है तो इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया। इसी वजह से ये वाला जो बॉन्ड है CX बॉन्ड,
क्योंकि एक्स का मतलब क्या है, कोई भी हेलोजन होगा और सी मतलब कार्बन ही है, तो सी एक्स बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, हेलो एरीन में सी एक्स बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। यहां पर अगर इन दोनों इसका सी एक्स बॉन्ड देखा जाए तो इसके कंपैरिजन में कैसा होगा, वीक होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब इससे आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी आप लोगों को कल, तो ये तैयार करो अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।